आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। जातीय जनगणना की कार ढूंढने में जुटी भाजपा पिछड़े वर्ग को साधने में अब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसका असर योगी सरकार 2.0 के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल के विस्तार में भी देखने को मिल सकता है। ये विस्तार दिवाली से पहले संभव है क्योंकि भाजपा में इस पर सहमति लगभग बनती हुई नजर आई है। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, घोसी से उपचुनाव हारे पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इनके अलावा दारा सिंह चौहान को भी जगह मिलना तय माना जा रहा है। तो मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को एक बार फिर से धार देती हुई नजर आएगी और अटकलें हैं कि दीपावली से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार संभव है क्योंकि जिन जिन को जगह मिलनी है उनके नाम लगभग तय हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ ही दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में एक बड़ी और अनोखी और अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है। तो किस नेता की होगी नैया पार या किस नेता से अब उनका पद लिया जाएगा या यूं कहें कि किसको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अटकलों की माने तो ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में अहम स्थान मिल सकता है। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने के साथ ही बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना की कार्ड को ढूंढने के लिए भी एक अहम कदम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यूपी में उठाया जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देखिए रितेश, जातीय जनगणना की कार्ड। रितेश, इस खबर पर ढूंढने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, बैठक हो रही है। ऐसे में अटकलें हैं कि जब योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो भी उसमें पिछड़ों का खास ध्यान रखा जाएगा। दिवाली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। किन किन को जगह मिलने की उम्मीद ज्यादा जताई गई है और रितेश, किन किन को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? जनगणना की कार्ड ढूंढने की बात थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए क्योंकि वो जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार अब करने जा रही है तो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग के जो इसमें मंत्री आते हैं उस कोटे के उनको इसमें स्थान दिया जाएगा। सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो प्रकाश राजभर का आ रहा है। पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हालांकि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी दिल्ली में, उसके बाद उन्होंने ये कह दिया था कि 7 तारीख को वो शपथ ग्रहण का दिन भी बता देंगे। तो जितनी जिम्मेदारी से और जितनी सतर्कता से उन्होंने इस बात को कहा कि वो 7 तारीख को समय बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनका सीट मंत्रिपरिषद में तय माना जा रहा है। अगर बात की जाए तो मऊ के घोसी विधानसभा क्षेत्र से हारे हुए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ये भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो इनका भी कद बढ़ाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में दोनों नेताओं की जो पिछड़े जातियां हैं उन पर काफी अच्छी पैठ है, जो अब की बार उपचुनाव में भी देखने को मिला। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये भरोसा जता रही है कि किस तरीके से ये दोनों नेता और क्या वोट बैंक साध सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। प्रधानमंत्री के लिए ये जो दो नेता होंगे कितने सही साबित होंगे ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि तो जिस तरीके से ये दल को इधर से उधर बदल कर पहुंचते हैं तो जनता भी इस चीज को समझ चुकी है। बिल्कुल देखिए रितेश, ये दोनों जिन नामों का लगातार हम भी जिक्र कर रहे हैं ये नामों की चर्चाएं पहले से थी। ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा था, इसके साथ ही दारा सिंह चौहान का भी नाम लगभग तय था। लेकिन देखिए जिस तरीके से 2024 के चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा, किस तरीके से समीकरणों को ध्यान में रखेगी बीजेपी और किस तरीके से जनता को साधेगी मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई काम करती है तो उससे पहले किसी को सुगबुगाहट नहीं होती। हालांकि ये जो दो नेता हैं इन्होंने बड़बोलेपन में सबसे पहले ही अपना नाम उजागर कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुपचुप तरीके से काम करती है। यानी कोई भी विस्फोट करना होता हो तो तत्काल आकर के वो टीवी स्क्रीन पर उनका तुरंत विस्फोट होता है कि अब हम ये करने वाले। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इन दो नेताओं के अलावा और किनको अपनी श्रेणी में रखा है ये भी कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन इन दोनों नेताओं की तो कार्ड सत्य मानी जा रही है। फिलहाल जो पूरा समीकरण बनाया गया है वो जातीय जनगणना
कि जो काट ढूंढी जा रही है वो पिछड़ा है वर्ग के जो मिनिस्टर्स होंगे जो नेता होंगे उन पर चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ी जातियों के वोट को बटोरने के लिए पूरी एक रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब इन नेताओं से बड़ी अपेक्षा होगी। अब ये उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतर पाते हैं नहीं ये तो जनता तय करेगी। ठीक है, धन्यवाद रितेश उस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दीपावली से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान का नाम लगभग तय हो चुका है और उम्मीद है कि कई और ऐसे नेता होंगे जिनको मंत्रिमंडल का जब विस्तार किया जाएगा तो उनको शामिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से संबंधों में मतभेद के बीच समाजवादी पार्टी भी अब सक्रिय हो गई है। इस बीच अखिलेश यादव एमपी दौरे पर जा रहे हैं जहां आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कटनी में मौजूद रहेंगे और चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट जुटाएंगे। और बता दें कि कटनी जिले की चारों विधानसभा पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर बोहरी बंद विधानसभा में अखिलेश यादव इस वक्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का जो चुनावी संग्राम है वो दिलचस्प होता जा रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस और सपा के बीच बयानबाजियों का दौर जारी है तो इसी बीच अब अखिलेश यादव एक बार फिर से कटनी के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां कटनी की चारों विधानसभा क्षेत्रों पर अखिलेश यादव आज चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अपने प्रत्याशी के पक्ष में भी अखिलेश यादव वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय अखिलेश यादव को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, सीट शेयरिंग कितना बढ़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर जानकारों की माने तो लगातार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे तो इसका सीधा खामियाजा कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही भुगतना पड़ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का हो सकता है। रितेश का रुख करते हैं जो उस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों पर है। अब से कुछ ही दिनों बाद का वो समय होगा जब मध्य प्रदेश की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। उसी बीच अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और आज अखिलेश यादव कटनी में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम उनका वहां देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार की जिस तरीके से अखिलेश यादव मध्य प्रदेश चुनाव में दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस से खटास लगातार होती चली जा रही है, जिसको लेकर के वो अपने उम्मीदवारों को उतार चुके हैं और ये साफ तौर पर उन्होंने अभी कहा भी है कि एक आरोप भी लगाया है कमलनाथ के ऊपर कि 80 वर्ष के हो गए तो अब दोस्ती के काबिल नहीं है या उन पर भरोसा कैसे किया जाए। ऐसे में वो उनका चुनाव के समय इस तरीके का दौर और कांग्रेस के साथ में जिस तरीके से उनका INDI का गठबंधन हुआ, इस तरीके से विरोधाभास आपस में, तो ऐसे में जनता इसको इस चीज का फैसला भी नहीं कर पा रही कि वो किस तरह चुनाव हो उसका। हालांकि आज कटनी में उनका जनसभा है और चार विधानसभाओं में वो चुनावी रैलियां करेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा टास्क होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जाकर के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ पाना उनके लिए एक बड़ा टास्क होगा। लेकिन देखिए रितेश, टास्क तो उसको कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तो उसका जो सीधा खामियाजा है वो किसे भुगतना पड़ सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों आपस में अगर मिले हुई है और साथ में अगर वो इस तरह का विरोधाभास हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान को सीटों का लाभ मिल सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी बालाघाट से और एक और विधानसभा क्षेत्र है वहां से कांग्रेस में एक समाजवादी पार्टी के नेता टूट करके गए, जिनको समाजवादी पार्टी टिकट दे रही थी विधानसभा से, वो कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उन्होंने सदस्यता ली। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी समाजवादी पार्टी से कट के एक नेता गए हैं। तो ऐसे में चुनावी दौर में जिस तरीके से 17 तारीख को वहां पर चुनाव है, तो ऐसे में जो विधायक प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो ये अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इसमें नुकसान हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस से राड़ बढ़ने के बाद में जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं गुमराह है कि आखिर उन्हें मतदान किसे करना है और कहां करना है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का खेमा, देखिए मतदाता जो है वो भी बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए INDI गठबंधन बनाया गया था, लेकिन अब उस गठबंधन में भी जो खटपट है वो खुलकर देखने को मिल रही है। INDI गठबंधन का भविष्य रितेश अब क्या होगा, सवाल बड़ा ये है। देखिए, ये कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से INDI के लिए इतने सारे घटक दल मिल करके उन्होंने एक दल बनाया, उसके बाद अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में
पार्टियां पहले से ही अपना हाथ खिसका रही हैं, अपने प्रत्याशी अपने मन से अपनी इच्छा से उतार रहे हैं, पार्टी में कोई नीति नहीं तैयार की गई है। तो ऐसे में मतदाता भी इस चीज को देखता है कि अगर पार्टी में ही आपस में राज चल रही है तो वो अगर उन्हें उस नेता को जिताते हैं तो आने वाले समय में उनके क्षेत्र का विकास कैसे होगा, ये तो आपस में नेता बंटवारे में लग जाएंगे कि भाई हमें ये विभाग चाहिए, हमें ये करना है। तो ऐसे में जनता का और क्षेत्र का। लेकिन रितेश, अगर विधानसभा चुनाव में इन सभी पार्टियों में एका नहीं हो पाता है तो क्या लोकसभा चुनाव में ये एकता दिखाना संभव हो पाएगा क्या? देखिए बिल्कुल मैं बताऊं, क्योंकि अब जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल समझदार हो चुका है और उसको अब केवल विकास के ऊपर ही अपना मतदान का प्रयोग करना है। तो ऐसे में जो पार्टियां, जो गठबंधन की पार्टियां हैं, इनका आपस में जो राड़ बढ़ रहा है, इसके पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। और मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके की वहां की गुंजाहट है और अगर वहां के मतदाताओं की बात की जाए तो इन दोनों के राड़ का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनावी शोर और दौरों का दौर भी लगातार जारी है। एमपी के चुनाव में अखिलेश यादव सक्रिय हो चुके हैं, जहां आज अखिलेश यादव कटनी की 4 विधानसभाओं पर पहुंचेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी दीपोत्सव, हनुमान जयंती, दीपावली और छठ समेत अन्य त्योहारों के मद्देनजर एक प्रदेश स्तरीय बैठक की है। इस दौरान सीएम योगी ने शासन प्रशासन के अधिकारियों को आगामी त्योहारों के सुचारू आयोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभ उपलब्धता को ध्यान में रखकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने त्योहारों पर शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए अराजक तत्वों के साथ सख्ती बरतने के भी आदेश दिए। सीएम योगी ने कहा कि 21 लाख दीपों से अवधपुरी इस बार जगमग होगी और फिर एक नया कीर्तिमान बनेगा। तो देखिए, 21 लाख दीपों से जगमग होगी भगवान राम की नगरी अयोध्या। लेकिन सभी त्योहारों से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी प्रदेश स्तरीय बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ ही साफ तौर पर कड़े शब्दों में सीएम ने कहा कि जो भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, जो भी अराजक तत्व होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आगामी त्योहारों को लेकर सीएम ने कड़े निर्देश दिए। इस दौरान एक बड़ी बैठक अधिकारियों के साथ की है। बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह भी कहा गया कि इस बार भगवान राम की नगरी एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। 21 लाख दीपों से भगवान श्री राम की नगरी जगमग होगी। रितेश का रुख करते हैं एक बार फिर फोन लाइन पर, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, आगामी त्योहार से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रदेश स्तरीय बैठक की है, इस बैठक की बड़ी बातें क्या रही? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी प्रदेश में किसी भी प्रकार का त्योहार होता है तो उस पर वो एक अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और एक हाई लेवल बैठक करते हैं, यानी जो उनकी जो एक बैठक में जो उनके अधिकारियों का एक जो जत्था है वो जत्था बैठता है और उस पर बात होती है। तो उन्होंने साफ तौर पर आने वाले जो त्योहार दीपावली का त्योहार है उस पर उन्होंने सख्त निर्देश किए हैं कि अगर यदि कोई भी अराजकता फैलाता है उसके साथ नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं है बल्कि उसके साथ सख्ती से पेश आए। वहीं अगर अयोध्या की बात की जाए तो 21 लाख दीपों के साथ में अवधपुरी को जगमग करने के लिए पूरा विश्व रिकॉर्ड बनाने का एक कीर्तिमान स्थापित करने की बात कही जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव, हनुमान जयंती, दीपावली, छठ पूजा, देवोत्थान, एकादशी, देव दीपाली आदि पर्वों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को एक सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी प्रकार की खामियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और एक सबसे बड़ी अहम बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में ये भी कहा गया है कि जितने भी पटाखे की यानी आतिशबाजी की जो दुकानें हैं उनके लाइसेंस में देरी न की जाए। और सबसे बड़ी बात उसमें एक और सामने आ रही है कि आबादी से दूर इन दुकानों को लगाने की बात कही गई है। तो सबसे बड़ी चीज ये यहाँ पर सामने निकल के आ रही है कि जो माहौल खराब करने वाले अराजक तत्व होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटाखा दुकानदारों के लिए जगह चयनित की गई है, कमिश्नरेट में इस चीज का आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि जहां पर भी वो अपनी दुकानें लगाएंगे वो दुकान आबादी से दूर होगी। और लाइसेंस देने में काफी दिन से शिकायत आ रही थी जो छोटे व्यापारी हैं उस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और साफ तौर पर सभी को निर्देशित भी कर दिया है कि लाइसेंस देने में देरी ना किया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है इस समय अगर प्रदेश की बात की जाए तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका हाई लेवल बैठक रात में है और आज निर्देश
ये पूरे प्रदेश के सामने सभी अधिकारियों के पास। ठीक है, देखिए रितेश यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस बैठक के जरिए अधिकारियों को कई अहम और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन देखिए सीएम के इस दिशा निर्देश के दौरान की दो बड़ी बातें हैं कि बिजली आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश और साथ ये कहा गया है कि जो पटाखे वाली दुकानें हैं या जो फैक्ट्री है, ये जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनसे दूर इनका संचालन हो। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों ही मसले ऐसे हैं जहां अधिकारियों की हीला हवाली देखने को मिलती है। बिल्कुल मुस्कान, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में एक बिजली की जो चरमराई व्यवस्था थी, हालांकि अब कुछ ना कुछ व्यवस्था सुधरती हुई नजर आई है। इसके लिए ऊर्जा मंत्री को भी निर्देशित किया गया है, ऊर्जा मंत्री ने अपने अधिकारियों को भी निर्देशित किया उन्होंने कि जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार एक प्रकाशोत्सव का त्यौहार है तो उस पर विद्युत सप्लाई ठप नहीं होनी चाहिए, जो शटडाउन का नियम चल रहा था उसको भी उस समय के लिए ब्रेक किया जाएगा। तो ऐसे में बिजली आपूर्ति के लिए पूरी तरीके से निर्देशित किया गया है। वहीं अगर पटाखे के दुकानदारों की बात की जाए तो अनाधिकृत रूप से शहर के बीचों बीच में कई जगह अभी भी है जो शहर के बीचों बीच में पटाखे की दुकान लगाई जाती है, वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की व्यवस्था नहीं होती, ना तो बाल्टी के अंदर बालू रखा होता है, ना कोई आग बुझाने का उपकरण होता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि सुरक्षा मानकों को दरकिनार करते हुए पूरे राजधानी में शहर के बीचों बीच में आतिशबाजी की दुकानें लगती हैं, जिससे बड़ी घटना यदि कभी होती है तो एक बड़ी जनहानि भी हो सकती है। धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का घमासान जारी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने भी डेरा जमा दिया है। वही एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जहां आज से दो दिवसीय एमपी दौरे पर मायावती रहेंगी, इस दौरान अशोकनगर जिले में चुनावी सभा मायावती करेंगी। निवाड़ी जिले में भी मायावती की एक विशाल जनसभा देखने को मिलेगी और वो चुनावी जनसभा को संबोधित करती हुई भी नजर आएंगी। तो एक लंबे इंतजार के बाद, या यूं कहे कि एक लंबे अंतराल के बाद, मायावती जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती आज शंखनाद करती हुई नजर आएंगी। दिल्ली में स्मॉग और धुंध के संकट का असर यूपी के कई जिलों में भी देखने को मिल रहा है, जहां सर्दी की दस्तक से के साथ ही लोगों का दम घुटना भी शुरू हो गया है। यूपी के लखनऊ, कानपुर, आगरा समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण घातक स्तर तक बढ़ गया है। लखनऊ का AQI 274 तक पहुंच गया है, जबकि गोमती नगर में AQI 215 और कुकरैल पिकनिक स्पॉट में AQI 250 तक दर्ज किया गया। वहीं कानपुर के कई क्षेत्रों में भी सांस लेना खतरनाक साबित हो रहा है। तो देखिए लगातार AQI लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। हर दिन के साथ जो वायु की गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब होती जा रही है। अस्पताल में मरीजों का पहुंचना भी शुरू हो गया है और सबसे ज्यादा प्रदूषण से बुजुर्गों और बच्चों में परेशानी देखने को मिल रही है। फोन लाइन पर कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए जो वायु की गुणवत्ता है वो हर एक बीतते दिन के साथ बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचती जा रही है। अगर हम यूपी की बात करें तो यहां पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो वायु है वो स्वच्छ हो सके? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए वापस कलीम का रुख करेंगे, कलीम से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए दिल्ली से लेकर यूपी तक जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है, वही लखनऊ की भी आबो हवा में अब जहर सा घुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लखनऊ का भी AQI लगातार गंभीर श्रेणी में धीरे धीरे पहुंचता हुआ दिखाई दिया। कलीम का रुख करते हैं, जो एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए लखनऊ की आबो हवा बेहद ही खराब हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, धुंध की चादर छाई रहती है, AQI लगातार जो गंभीर श्रेणी है उसको टच करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की आबो हवा है वो पूरी तरीके से खराब होती जा रही है, यानी कि बात की जाए जिस तरीके से AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको लेकर राजधानी की जो हवा है वो भी बेहद खराब हो गई, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं और लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अगर इस बात की अगर हम तस्वीरों की बात करें राजधानी लखनऊ की, तो चाहे फिर लालबाग हो, तालकटोरा हो, गोमती नगर हो या फिर हजरतगंज की बात की जाए इन सभी जगहों पर AQI जो है वो लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल इन सभी से निपटने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो लगातार सभी की तरफ जो है
छिड़काव भी किए जा रहे हैं और दूषित जो प्रदूषण निकल रहा है, चाहे वो फैक्ट्रियां हो, उन फैक्ट्रियों को भी लगातार इस मामले को लेकर के चिन्हित किया जा रहा है कि जिस तरीके से उनके फैक्ट्री से जो धुआं प्रदूषित निकल रहा है उससे जो हवा पूरी तरीके से खराब हो रही है, तो उनको भी कहीं ना कहीं निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस आबो हवा को खराब होने से तो रोका जाए और जो उनका प्रदूषण है वो पॉल्यूशन भी रोका जाए। और इसको ये जो स्थिति है ये देखने को मिलती है और हर बार कहते हैं कि जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रदूषण पे कंट्रोल हो सके, ताकि जो हवा है, आबो हवा है, वो ठीक हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल जो स्थिति है वो बेहद गंभीर होती जा रही है। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से जो बात अभी कही गई कि जो तरह तरह के निर्देश दिए जाते हैं वो निर्देश जमीनी स्तर पर फिलहाल उतर ही नहीं पाते हैं, केवल कागजों में वो निर्देश दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए सबसे ज्यादा पॉल्यूशन की, तो जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों के साथ साथ जो वाहन है, वाहन जो कंडम हो चुके हैं लगातार, जो उसमें से धुआं जो काला निकल रहा होता है उसको लेकर के निर्देश दिए जाते हैं, आईटीओ को निर्देश दिए जाते हैं, पुलिस को निर्देश दिए जाते हैं, वो सड़कों पर लगातार इस मामले को लेकर के सख्ती दिखाए, लेकिन उस तरीके की सख्ती नहीं देखने को मिलती है। और लगातार जो उसका जो प्रदूषित धुआं होता है वो लगातार लोगों को बीमार कर रहा है और लोगों की सांसों को लेने में भी जिस तरीके से दिक्कत हो रही है, तो उससे हॉस्पिटल के जो मरीज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। फिलहाल जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों का पालन होता हुआ तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर ये देखा जाता है कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन दिखा है उन जगहों तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि रिहायशी इलाकों की बात किया जाए तो जहाँ पे जो फैक्ट्रियां चल रही है, दादाजीपुरम की बात की जाए, तालकटोरा की बात की जाए, वहां पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है उससे उसका जो प्रदूषित धुआं निकलता है वहां पर किसी तरह के निर्देश नहीं दिए जाते। अगर बात की जाए सीहत की तरफ की जो फैक्ट्रियां हैं प्लाईवुड की, वहां को लेकर के वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कई बार शिकायत पत्र भी डीएम से लेकर के पुलिस कमिश्नर और सीएम तक के भी दिए जा चुके हैं, लेकिन वहां पर भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं देखा गया। जबकि वहां के जो फैक्ट्रियों की बात की जाए उसको दूर दराज स्थित करने के कई बार निर्देश भी हुए, लेकिन वो भी निर्देश ठीक है। धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोंडा पहुंचे जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मद्दी ने फिलिस्तीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। हमास अपने देश के अस्तित्व और आजादी के लिए लड़ रहा है। मद्दी ने कहा कि देश की आजादी के लिए लगातार सक्रिय है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो साहस और वीरता दिखाई, यहां तक कि घर में घुसकर शक्तिशाली सूदखोर पर हमला करके उसे मार डाला, वो एक असाधारण काम था। हालांकि ऐसा करके वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल पिछले कई दशकों से महिलाओं और बच्चों को बेहद क्रूरता से निशाना बनाकर असहाय लोगों का खून बहा रहा है, लेकिन दुनिया उसे आतंकवादी कहने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर को सुधारने और संवारने में जुटी योगी सरकार ने दीपावली के पावन पर्व पर उनके जीवन में रोशनी लाने के लिए रविवार को जनपद गोंडा से एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जहां गोंडा जिला प्रशासन की पहल पर यहां हर घर नेकी की दीवार विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। वही डीएम नेहा शर्मा ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि दीपावली के मौके पर जनपद के हर घर में खुशियां पहुंचाने के लिए ये एक अनूठी पहल है। ग्राम पंचायतों में भी जो आरआरसी केंद्र हैं उन पर ये एक विशेष अभियान के तहत दिवाली से पूर्व इसको उद्घाटित किया है। और खासतौर पे इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो एक ट्रिपल आर का जो कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, और उस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हुए कि हमारे घर से कई बार ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे उपयोगार्थ तो नहीं रह जाती हैं लेकिन हो सकता है वो किसी ज़रूरतमंद के उपयोग में आ सकें। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत में चाहे वो एक्स्ट्रा बर्तन हो घर में या कपड़े हों, किताबें हों, ऐसी खबर कुशीनगर से है, जहां न्यू इंडिया शुगर मिल हाटा चीनी मिल की ओर से गोष्ठी में ऑटोमेटिक प्लांटर का वितरण किया गया है। गन्ना उत्पादन मेले के लिए कैन प्लांटर बांटेगा। इस दौरान अधिशासी अध्यक्ष करण सिंह ने 10 ATASP को प्लांट बांटे हैं। वही गोष्ठी को संबोधित करते हुए अधिशासी अध्यक्ष ने चीनी मिल में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में बताया। वही प्रैग्रामेटिक्स के कर्मचारियों की देखरेख में ये सभी काम हो रहा है, हम अभी भी पुरानी तकनीक से खेती कर रहे हैं। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सहायक उपाध्यक्ष ने मशीनीकरण कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं दी। आज हमारी चीनी मिल क्षेत्र में इसको हमने चालू किया है और इसके तहत गन्ना बुआई से लेकर गन्ना कटाई तक हर एक एक्टिविटी को मशीन के द्वारा किया जाना, ये कार्यक्रम हम आज से शुरू कर रहे हैं और अगले
डेढ़ से दो साल में ये सर्विस हमारे मिल क्षेत्र के हर एक किसान तक पहुंचे इस प्रोग्राम के तहत, जिसके लिए पूरा प्रैग्मेटिक्स टीम हमारे साथ में है, IISR लखनऊ के साइंटिस्ट हमारे साथ में है और इनके माध्यम से इस कार्यक्रम को आज ये चालू किया गया है। इस पूरे प्रोग्राम से हमें उम्मीद है कि मिल क्षेत्र में गन्ने की पैदावार दो गुनी हो जाए। उसके साथ साथ हम उस बीज के ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं। ज्यादातर किसान बिना ट्रीटमेंट किए बिजाई करते हैं। अब जो नई मशीनें आज यहाँ इस परिसर से यहाँ पर किसानों के माध्यम से आपके यहाँ पर उपलब्ध रहेगी हर किसान के लिए, इसमें उसका शोधन के साथ साथ खाद का जो समुचित मात्रा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, उसका कितना उसकी मात्रा जानी चाहिए वो भी पूरी तरह से वहां पर जाए। और इसके साथ जो मुख्य बात है कि जमीन की नमी को, हर जमीन में कम पाए जाएंगे उसकी संस्कृति दी जाएगी और अच्छी पैदावार, लेकिन यहाँ की जमीनों पे बगैर परीक्षण करवाए ये पता लग रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर की कमी है। इन खादों को अगर किसान डालेगा तो गन्ने की भरपूर पैदावार दे सकता है। इन खादों को डालने के लिए हम किसानों को बताते हैं कि NPK डालें या यूरिया डालें और सल्फोजिक डालें या जिंक सल्फेट डालें या न्यू क्रॉप डालें। अब खबर हरदोई से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। इस विवाद में एक महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे जिला मुख्यालय रेफर कर दिया है। वहीं पीड़ित ने चार आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पाली थाना क्षेत्र के लखमापुर में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? जमीन है, जमीन के मारे। कहाँ के रहने वाले हो? लखमापुर। अच्छा, और जिन्होंने मारा वो भी लखमापुर के? हाँ। दोनों तरफ से चोटें हैं क्या? ना, एक ही तरफ से। ना, लोगों ने मारा, हमारे कुछ होता ही नहीं। कितने लोग थे? बोलो। वो लोग हते छे। चलो, हमारे चलते तो परो सब ने मर गई। हमने फोन करो तब हम लड़ाई, और आज हमारे नहीं गिराई लो घर वाले, तब हम गई रहे। लड़का हमारे सोए रहो तो जब उन्हें क्यों नहीं बताई कि गिराई लो मम्मी पापा के, तब भाई भजे ये हमारे जेठ की लड़का, फिर वही भजे पोता भजो। कितने लोगों के चोट आई है? चोट ला पाँच लोग। पूरा मामला कहाँ का है? लखमापुर पहुँचना के। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।